हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी, चाहे ट्वेल्थ, चाहे इलेवंथ, चाहे नाइन्थ टेंथ, साइंस है तो आप साइंस पढ़ोगे तो वहाँ उसमें आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। आप मोस्टली बीएससी करते हो, आप कहोगे सर हम जेडबीसी से कर रहे हैं तो केमिस्ट्री आ गई, पीसीएम से करोगे तो केमिस्ट्री आ रही है, पीसीबी से करोगे तो भी केमिस्ट्री आ रही है। मींस ये कि यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी। अब केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है तो केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, और रिएक्शंस करने के लिए, और केमिस्ट्री का ही मतलब क्या, रसायन विज्ञान, यानी कि रसायनों की विज्ञान। प्रत्येक रसायन यानी कि प्रत्येक पदार्थ का अपने आप में कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है, जानते हो आप, मार्कर इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा हर चीज का अपने आप में। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फाइड, बहुत सारे फॉर्मूले दुनिया भर के केमिस्ट्री में, बहुत फॉर्मूले हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम इन फॉर्मूलों को कैसे याद करें इतने सारे केमिस्ट्री में, और ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। कन्फ्यूजन यहाँ पर होती है, जैसे कि आ गया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड तो कैसा फॉर्मूला बनेगा, फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फाइड फेरिक सल्फाइड, ये अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, ये फॉर्मूला बनते कैसे हैं, आज इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही जीरो लेवल से करेंगे और अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, आज के बाद में जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, इस तरीके से कर लेंगे फॉर्मूले को, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको बस ये चार्ट याद रहना चाहिए आपको, इसमें क्या है ये याद कर लें, इसके बारे में पूरी केमिस्ट्री में से एक भी फॉर्मूला नहीं बचेगा, सारे फॉर्मूले आप आसानी से बना लोगे। देखिएगा नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम सोडियम होता है, सोडियम Na पर एक पॉजिटिव देखा है आपने तो उसको सोडियम बोलेंगे, K पॉजिटिव को पोटेशियम बोलेंगे, H पॉजिटिव को हाइड्रोजन बोलेंगे, Hg पॉजिटिव इसको मर्क्यूरस या मरकरी बोलेंगे, मर्क्यूरस या मरकरी बोल सकते हो। NH4 पॉजिटिव को अमोनिया नहीं अमोनियम, ये अमोनियम आयन होता है तो इसको क्या बोलोगे आप, अमोनियम। फिर आपका आ जाता है Ag यानी सिल्वर, ठीक है, ये आपका Cu क्यूप्रस या कॉपर बोल सकते हो, ये दो पॉजिटिव कैल्शियम बेरियम, ये देखो इस पर ध्यान रखना। Fe2 पॉजिटिव को हम फेरस बोलते हैं और Fe ट्रिपल पॉजिटिव को फेरिक बोलते हैं, बाकी ये मर्क्यूरिक जिंक, और बाकी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, एफ नेगेटिव, ये क्या होते हैं आपके हेलोजन तत्व होते हैं, उसी तरीके क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। फिर आयोडाइड, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड बोलेंगे या हाइड्राइड बोलेंगे, CN नेगेटिव को साइनाइड, CH3COO नेगेटिव को एसीटेट, HSO4 नेगेटिव को बाईसल्फेट, SO4 नेगेटिव और SO3 नेगेटिव को बाईसल्फाइट, सल्फेट में SO4 आता है, सल्फाइट में SO3 आता है, ये चीज़ पता रहनी चाहिए आपको। नाइट्रेट में NO3 आता है और नाइट्राइट में NO2 आता है। कार्बोनेट ऐसे ही देखिएगा, SO3 सल्फाइट, SO4 सल्फेट, CO3 कार्बोनेट, Cr2O4 पे आएगा क्रोमेट, दो पॉजिटिव रहता है, S2 नेगेटिव के लिए बोलेंगे आप सल्फाइड, क्या सल्फाइड, ठीक है, ये आ गया। टू नेगेटिव O2 नेगेटिव को ऑक्साइड और O2 को पर ऑक्साइड बोलते हैं, C2O4 नेगेटिव को क्या बोलेंगे ऑक्सलेट बोलेंगे, MnO4 2 नेगेटिव को मैग्नेट मैग्नेट, ठीक है, और P3 नेगेटिव फास्फाइट और आपका PO4 ये, ठीक है, ये चीज़ बोलते हैं। अब यहाँ से समझ लेना आपको PO4 को, ये फास्फाइट है केवल, P और PO4 क्या होता है फास्फेट होता है। अब ध्यान से लेना जो धना ऋणात्मक जो होंगे इसमें जितने भी ऋणात्मक हैं, ऋणात्मक को बोलते हैं हम अम्लीय, अम्लीय मूलक कहते हैं, और जो धनात्मक को बोलेंगे हम, धनात्मक में भी दो कंडीशन होते हैं वैसे तो, हम इसको भास्मिक मूलक बोलते हैं, क्या भास्मिक मूलक, भास्मिक मूलक कहते हैं। भास्मिक मूलक की खास बात है, देखिएगा इनको हम क्षारीय मूलक और भास्मिक मूलक में क्या अंतर रहता है, क्षारीय मूलक देखिएगा, क्षारीय मूलक और भास्मिक मूलक दोनों धनात्मक मूलक होते हैं, जैसे ये वाले पॉजिटिव, ये सभी क्या हैं जो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, ये आपके भास्मिक मूलक या क्षारीय मूलक कहेंगे। तो क्षारीय मूलक और भास्मिक मूलक में बेसिकली छोटा सा एक डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या होता है कि
ये जो भास में ये जो क्षारीय मूलक है, क्षारीय मूलक में वो मूलक नहीं आएगा जो धनात्मक है लेकिन जल में अविलेय है, जो जल में ना घुले उसको हम क्षारीय मूलक नहीं कहेंगे। अर्थात मतलब ये क्षारीय मूलक वे मूलक कहलाते हैं जो धनात्मक तो हैं लेकिन साथ में वो कैसे होने चाहिए, जल में विलय भी होने चाहिए। धनात्मक के साथ जल में विलय होंगे तब वो क्षारीय मूलक कहलाएंगे। यदि धनात्मक है और जल में विलय नहीं है तो फिर हम उनको क्षारीय मूलक नहीं, फिर उनको नाम देंगे हम भास्मिक मूलक। क्या? भास्मिक मूलक। तो सभी भास्मिक मूलक, सभी क्षारीय मूलक भास्मिक मूलक होते हैं पर सभी भास्मिक मूलक क्षारीय मूलक नहीं होते। ये चीज समझ में आ गई? क्यों? भास्मिक मूलक तो उनको कहते हैं जो जल में घुल जाए या ना घुले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्षारीय मूलक तभी कहलाएगा जिन भास्मिक, जो भास्मिक मूलक जल में घुल जाएंगे उनको क्षारीय मूलक कहते हैं। ये बेसिक थोड़ा सा अंतर रहता है जो चीज आपको पता रहनी चाहिए हमेशा हमेशा याद रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर ऐसी चीजें नहीं पूछता है आपके, ठीक है। अब आपके सूत्र बनाने पर आ जाते हैं। सभी देखिएगा चुटकियों में सूत्र बनाना सीख लोगे, चुटकियों में जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। देखो तो समझते हैं एक एक करके, सभी को समझेंगे, ठीक है। चलिएगा देखो एक एक करके अब हम सबको समझते हैं। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, जैसे कि आपको मैं तुम्हें छोटा सा नॉर्मल लेके चलूं, जैसे कैल्शियम है, हमेशा फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या है दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपको एक धनात्मक वाला इधर लिखना है, धनात्मक धनात्मक पहले लिखना है और ऋणात्मक उसके बाद में रखना है, ठीक है। क्या? धनात्मक उधर ऋणात्मक उधर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है कि धनात्मक की यहां पर और यहां पर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। फिर क्या कर देनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिएगा कैसे, तो बनाना तो बाद में, जैसे आप कोई भी फॉर्मूला बना लो जिंदगी में, जो भी पूरी केमिस्ट्री में जो भी है, पूरी जिंदगी में जितने भी केमिस्ट्री के फॉर्मूला आएंगे सभी को बना सकते हो। जैसे मैं यहां से ले रहा हूं, जैसे कैल्शियम है, पॉजिटिव ले लिया मैंने कैल्शियम, अब इसके साथ में नेगेटिव पढ़ दो, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम साइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम बाई सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम बाई सल्फाइट का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, इस तरह से, ठीक है। एक पॉजिटिव इनमें से कोई से उठा लिया, फेरिक, फेरिक सल्फाइड, फेरिक सल्फेट, फेरिक कार्बोनेट, फेरिक क्रोमेट, फेरियम फेरिक सल्फाइड, ये इनके फॉर्मूला क्या होंगे, मतलब किस तरीके से बनेंगे। कोई भी एक पॉजिटिव पढ़ो, जैसे अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम बाइसल्फेट, अमोनियम बाइसल्फाइट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है। इनके फॉर्मूले कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो देखो जैसे हम, जैसे सपोज दैट हम इनमें से कोई भी एक चीज उठा ले रहे, कोई भी चीज उठा लीजिए, जैसे मैंने ये अमोनियम उठा लिया, तो यहां पर क्या लिया मैंने, NH4, क्या लिया, NH4, ठीक है। NH4 पर कितना पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, तो एक मैं नीचे लिख दूंगा, ठीक है, एक नीचे लिख दिया। देन उसके बाद, देन उसके बाद में मैं एक इनमें से कोई भी नेगेटिव उठा लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपका कोई कोई भी जो भी आपका यहां से जो भी अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फाइट जो भी बनाना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या है कि जैसे मेरे को अमोनियम क्या बनाना है, कुछ भी चीज बता दीजिए आप अपनी मर्जी से। चलो आप लाइव तो चल नहीं रहा था इसलिए मैं, जैसे नॉर्मली आपका बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, जैसे अमोनियम सल्फाइड, ठीक है, अमोनियम क्रोमेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो वो चीजें बताऊंगा मैं सारी चीजें। पहले देखिएगा, एक अमोनियम कार्बोनेट ले रहा हूं मैं, अमोनियम कार्बोनेट, तो मैंने CO3 ले लिया, बहुत ही पॉपुलर है फॉर्मूला। इस पर कितना है, दो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब नहीं रखना है आपको, बस दो लिखना है ये, और अमोनियम पर कितना था, एक पॉजिटिव था, एक लिखना है। अब इसकी क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, क्रॉस। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखिएगा NH4 के साथ में क्या है, दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से लिखना, मल्टीप्लाई करके नीचे, ठीक है, ये लिख दिया, इनटू एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक की तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज में, तो ये आ जाएगा। तो NH4 का ट्वाइस CO3, तो इसका नाम क्या बनेगा, ये NH4 लिया था, इसका नाम तो क्या था, अमोनियम, अमोनियम, और CO3 का नाम क्या था, क्लोर कार्बोनेट। CO3 का क्या नाम था, CO3 कहां से लिया था, ये यहां से लिया था, कार्बोनेट, कार्बोनेट, समझ में आ गया। एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए, जैसे कि आपका अमोनियम आ गया, यही ले रहा हूं, एक और समझ में आ जाएगी आपकी, NH4 पॉजिटिव, इसके साथ NH4 पॉजिटिव का मतलब वन पॉजिटिव, तो नीचे लिख लिया। इनमें से कोई भी जैसे हाइड्रोक्साइड आता है तो ये OH ले लिया,
OH, इस पर नेगेटिव है ना एक, जब एक रहेगा तो एक का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक की मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या हो जाएगा NH4OH आ जाएगा। भाई NH4 के साथ एक की मल्टीप्लाई कर दी, एक की मल्टीप्लाई करके तो दिखाते नहीं है, और दिखाओ तो ऐसे आएगा वन, तो इसलिए उसका तो कोई महत्व ही नहीं रहता वन का, तो OH आ जाएगा। ठीक है, ये तो ये क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम अमोनियम था, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात, कुछ कुछ समझ में आ रही है, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स कराएंगे तो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, इस तरीके से कर लेंगे हम इसको। देखिएगा और एग्जांपल लेते हैं अब, ठीक है चलिए, जैसे आपके लिए हमने सी ए पॉजिटिव ले लिया, सी ए टू पॉजिटिव है तो दो लिख दिया है, हमें कैल्शियम एसिटेट बनाना है, सपोज दैट कैल्शियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है, किसी ने पूछ लिया कैल्शियम एसिटेट, आपको दो बातें दिमाग में रहनी चाहिए, भाई कैल्शियम पर कितना दो वैलेंसी, नीचे लिख दिया एसिटेट, एसिटेट का क्या होता है मूलक CH3COOH, इस पर कितना एक नेगेटिव रहता है, ऐसे लिख लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा CA, इसी मल्टीप्लाई करेंगे CH3COOH के पूरे का ट्वाइस कर देंगे, तो इसकी दो की मल्टीप्लाई पूरे में होगी, और दो की मल्टीप्लाई करके इस तरह से कभी नहीं लिखना है आपको, इस तरह से नहीं लिखना है, हमेशा इसके नीचे लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, इस रूप का रहता है ए और बी, कोई दो पदार्थ हैं, इसकी वैलेंसी एक्स है, इसकी वैलेंसी वाई है, तो हम लिखेंगे ए वाई बी एक्स, इस रूप का क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस रूप का लिखा जाता है हमेशा फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज़ है, चलिएगा तो ये कैल्शियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या बन गया, कैल्शियम यानी कि CA उठाया तो ये कैल्शियम, और ये CH3COOH ये क्या हो जाएगा एसीटेट, एसीटेट बन गया ना, बन गया कैल्शियम एसीटेट, CH3COOH का ट्वाइस, इंटर वालों के लिए बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, हमेशा याद रखना कैल्शियम एसीटेट का क्या बनता है, और सोडियम एसीटेट का देखो ध्यान समझना, सोडियम एसीटेट का अलग रहता है, जैसे सोडियम एसीटेट तो सोडियम Na दिमाग में लगाओ, किसी ने पूछ लिया सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, दिमाग में तुरंत फिल्म बन जानी चाहिए कि भैया सोडियम पर कितना एक पॉजिटिव रहता है, एक आ गया, एसीटेट पर कितना एक रहता है CH3COOH, इस पर एक, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो Na के साथ वन आ जाएगा, तो लिखो मत, और ऐसी CH3 फिर लिखना नहीं होता है COOH। ठीक है, तो ये चीज, तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से नहीं लिखा जाता है एक्चुअली में, ये थोड़ा अपवाद रहता है, इसमें Na को आगे तो लिखते हैं लेकिन ये इस तरीके, इसकी वजह क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरह से लिखा जाता है, जैसे CH3 और CH3 COOH, इस तरीके से लिख देते हैं इस फॉर्मूले को, तो CH3COOH सोडियम एसीटेट बन जाएगा, ऐसे ये CA आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले को भी आप किस तरीके से, इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे CH3COOH का ट्वाइस CA, इस तरीके से, तो बात एक ही है, ये उत्तर यहाँ पर पूरा नंबर मिलेगा आपको और इसमें भी पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन ये कुछ केमिस्ट्री में अपवाद से है कि इस फॉर्मूले को ऐसे के वजह ऐसे लिखते हैं तब ज़्यादा बेटर रहता है, जब ज़्यादा बेटर रहता है, तो ये केवल एसीटेट में ही ऐसा होता है उल्टा लिखने की। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, इस पर ही पूरा नंबर मिलेगा, इस पर ही पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर काट नहीं सकता है ज़िंदगी में कभी भी। ठीक है, चलिएगा, ना एग्जाम में काटेगा ना कहीं पर भी। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं और सीखते हैं, बहुत सारे इतने एग्जाम्पल्स करा लो कोई भी केमिस्ट्री का कोई भी फॉर्मूला। अब थोड़ा सा देखिएगा, नाइट्रेट और नाइट्राइट में मतलब समझते हैं, देखिएगा क्या है, जैसे अब हम ले रहे हैं यहाँ से कोई भी एक चीज़ उठा लीजिए, देखिए नेगेटिव इसमें से कोई भी उठा लीजिए, ठीक है, मैंने ले लिया सोडियम नाइट्रेट, जैसे कि हमारा पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम ले रहा हूँ मैं, पोटेशियम K पॉजिटिव का मतलब K1, ठीक है, K के साथ में क्या है 1, और इसमें नाइट्रेट पर कितना है NO3 पर एक आ रहा है 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के साथ में 1 और इधर NO3 के साथ में 1, तो ये आ गया, तो इसका नाम क्या बनेगा, पोटेशियम लिया था और नाइट्रेट लिया था, पोटेशियम नाइट्रेट, समझ में आ गया, पोटेशियम नाइट्रेट, और ऐसे यदि के साथ में NO2 इस पर वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो के साथ में 1 और NO2, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्राइट हो जाएगा, ये पोटेशियम नाइट्राइट हो जाएगा,
ठीक है, जब बराबर बराबर आ जाते हैं तो वैसे भी उनको लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, जैसे और भी देख लीजिए बराबर वाले का, और एक देखो और मैं करा दे रहा हूँ। बराबर के लिए खास थोड़ी सी वो है, क्या है, बराबर जब आ जाता है तो उसको हम लिखते नहीं है। क्या नहीं लिखते देखिएगा, जैसे कोई भी दो दो वाला ले लीजिए, जैसे फेरस और दो वाला, ये फेरस मैग्नेट ले लीजिए या फेरस ऑक्सलेट ले लीजिए या फेरस सल्फाइट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा देखिएगा, एक्चुअली में क्या होता है, जैसे देखिए ये दिख रहा है ना, इनमें से कोई भी एक चीज़, मतलब दो का मतलब सिखा रहा था मैं, दो तो मैं सी ए और दो पे कैल्शियम नाइट्रेट, देखिए कैल्शियम नाइट्रेट देखो ये है, कैल्शियम का ले लिया मैंने सी ए टू पॉजिटिव ले लिया, टेन टू पॉजिटिव का मतलब टू ले लिया, और ये है आपका दो नेगेटिव ये देखिए कैल्शियम सल्फाइट ले रहा हूँ, एसओ थ्री पे कितना है दो है, दो नेगेटिव है दो ले लिया, यहाँ पे सी ए पर कितना था दो था। तो जब दोनों पे बराबर आ जाते हैं तो फिर वो कट जाते हैं, दो से दो कट जाएगा क्योंकि अनुपात में ले जाता है, जब अनुपात में ले जाएगा तो क्या हो जाएगा सी ए ट्वाइस एसओ थ्री, ऐसा नहीं लिखना है इसका, ऐसा नहीं लिखना है इसको, ऐसा नहीं लिखना, इसको डायरेक्ट जब बराबर बराबर आ जाए तो फिर ऊपर वाली संख्या को जोंका त्यों जोड़ देते हैं सी ए एसओ थ्री, सी ए एसओ थ्री, तो ये क्या बन जाएगा कैल्शियम सल्फाइट बन जाएगा, कैल्शियम कैल्शियम सल्फाइट बनना है। समझ में आ रही है कुछ, दिमाग में भेजे में कुछ बढ़ रहा है, बढ़ रहा होगा बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से हैं ये, बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे कंसेप्ट से हैं, और आज के बाद में मुझे तो नहीं लगता कि आप कभी भूल पाओगे इनको। ठीक है, और लेते हैं और एग्जाम्पल और करते हैं अभी तो, और चित्र बनाने का तरीका क्या है, बस दो दो स्टेप हैं, एक पॉजिटिव को पहले रखना, नेगेटिव को बाद में रखना है। देखिएगा कोई भी चीज़ ले लिए इसमें से पॉजिटिव, सपोज करो मैंने NH4 ले लिया, ठीक है NH4 ले लिया, NH4 ले लिया, ठीक है, और इस पर कितना पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, तो एक मैं केवल पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं, केवल एक लिख लिया। ठीक है, NH4 पॉजिटिव, ये नीचे इस पर कितना है एक है, ठीक है पॉजिटिव है नेगेटिव एक, इसके साथ में नेगेटिव में से कोई भी ले लीजिए, सपोज दैट मैंने क्या ले लिया OH ले लिया, ठीक है ये OH ले लिया, ये आ गया, तो OH पे भी कितना एक है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि NH4 के साथ में एक आएगा और OH के साथ में भी आपका एक आएगा। ठीक है, तो ये इनको जोड़ के लिख देंगे हम NH4 OH, ये बन जाएगा। इसका नाम क्या है, NH4 का नाम क्या था, NH4 का नाम अमोनियम था और OH का नाम क्या था, OH OH हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा, नाम बन जाएगा इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अभी आपको कम समझ में आया तो देखिएगा दूसरा एग्जांपल लीजिए, सपोज दैट हमने सी ए ले लिया, सी ए, सी ए पर कितना है, सी ए पर दो है, दो लिख लिया, दो कहाँ है देखो सी ए पर दो है, केवल दो लिख लिया, ये दो सी ए के साथ कितनी बैलेंसी रहती है इसकी, दो। ठीक है, अब सी ए के साथ में सी एल ले रहा हूं, ठीक है सी एल पर कितना है, सी एल, सी एल पर एक है, केवल इतना लिख दो, सी सी ए पर कितना है, दो है, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव तो ये दर्शाएगा कि पॉजिटिव पहले लिखना है उसके बाद में ये लिखना है। ठीक है, तो पॉजिटिव पहले लिख लिया आपने सी ए, सी ए पर कितना पॉजिटिव था, दो था, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं केवल दो लिख लिया, सी एल पर कितना था एक, नेगेटिव था एक लिख लिया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सी ए के साथ में कितना, सी ए के साथ में तो एक आएगा, एक को लिखते नहीं है, और सी एल के साथ में कितना आएगा, दो, इस पे दो ऊपर नहीं साइड में, यहाँ पे लगाना है दो, आगे नहीं यहाँ पे साइड में लगाना है दो, साइड में लगाना है दो। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई कि नहीं, तो ये है, तो ये सी ए सी एल टू बन गया। इसका नाम क्या बनेगा, सी ए का नाम क्या था, कैल्शियम, सी ए का नाम क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है कैल्शियम, क्लियर है, और Cl का नाम था क्लोराइड, बन गया ना, बन गया कैल्शियम क्लोराइड। नहीं समझ में आया, एक बार और मैं आपको बताऊंगा जीरो लेवल से, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लेवल से सीखो, बिल्कुल जीरो लेवल से। एक्चुअली में क्या होता है देखिएगा, ये देखो मैं ले रहा हूं, देखिए Ca, सी ए ले लिया, सी ए पर कितना पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव है, तो दो लिख दिया। ठीक है, अब मैं इनमें से कोई भी ले ले रहा हूं, चलो मैंने ये ले लिया ओ एच, ये ओ एच ले लिया, ठीक है,
OH पे कितना, एक है नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखना है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पहले पॉजिटिव वाला लिखना है, बाद में नेगेटिव वाला लिखना है। इसके बाद में इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। CA के साथ में क्या आ रहा है, एक आ रहा है, तो CA देखो ऐसा ऐसा लिखा जाता है हमेशा, CA के साथ में एक, तो एक को तो लिखते नहीं है हमेशा, एक को लिखना नहीं है, ठीक है। और ये दो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो OH, OH के बाहर दो आएगा तो OH का ट्वाइस, ऐसा लिखा देखा होगा आपने फॉर्मूला, OH का ट्वाइस, तो ऐसे बनता है। तो इसका नाम बनेगा कैल्सिय, का नाम क्या है, कैल्सियम, कैल्सियम। एक्चुअली में क्या है, ये दो H, यदि मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब तो ये है कि ये H पर दो लग रहा है, O तो अकेला है, इसीलिए ये OH के दो मल्टीप्लाई दो की OH में होगी पूरे में, तो इसलिए ये लिख दिया, ठीक है। तो अब देखना जरा कैल्सियम, OH का नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, भूल पाओगे कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। अब आपको पता चल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैसे ये होता है। तो ये दो जो बैलेंसी होती है कैल्शियम की होती है, OH की यहाँ पर वन लग रहा है, CA के साथ में वो वन होती है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, बहुतेरे एग्जांपल करेंगे, पूरी केमिस्ट्री में जो भी फॉर्मूला है इसी मेथड से बनेगा। आप कहते हो ना कि सल्फाइड सल्फेट कैसे बन जाता है, वो ऐसे बनता है। अभी सारे फॉर्मूले लेंगे हम, देखिएगा, और लीजिए कोई भी, इसमें से कोई भी चीज उठा लीजिए आप, कोई भी, जब तुम जो भी तुम्हारा मन करे वो चीज उठा लीजिए। जैसे मैं ये उठा ले रहा हूं, ठीक है, आपका ये ले लिया मैंने Fe, इस पर Fe पर कितना है, दो पॉजिटिव है, दो मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। इसमें से कोई भी उठा लीजिए, ये चलो मैंने ये निकाल दिया, आप SO4 ले लीजिए, SO4, SO3 ले लीजिए, या FO ये लीजिए, हमने SO4 ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, SO4 लिया, SO4 पे कितना है, दो है, दो, ठीक है, दो। अब ये दोनों पे बराबर आ रहा है, ध्यान समझ लें, दोनों पे बराबर है, इस पर दो और इस पर भी दो, तो दो बराबर है, तो दो को हमेशा काट दोगे, बराबर चीज को नहीं लिखेंगे हमेशा, बराबर को कभी नहीं लिखना है, बराबर को कभी नहीं लिखना है। तो मतलब क्योंकि ये भी दो, ये भी दो, तो ये हमेशा कट जाते हैं, अनुपात में लिया जाता है, तो ये कट जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सीधे सीधे Fe SO4। तो इसका नाम क्या बनेगा, Fe, दो दो वाले का नाम क्या था, दो वाले का फेरस, क्या नाम था, फेरस। और SO4 का नाम था क्या, था सल्फेट, फेरस सल्फेट बन गया। यदि Fe के साथ में, इसी Fe के साथ में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पे वन हो जाएगा Fe, ये हमने तीन वाला ले लिया Fe, तीन वाला, ये वाला तीन, और यही लिया SO4 ले लिया, इस पर कितना है, दो है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Fe का ट्वाइस, Fe कितने हो जाएंगे, Fe दो, और ये SO4 के साथ में क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा, ये बन गया। तो इसका नाम क्या होगा, आप देखिएगा, Fe कौन सा लिया था हमने, ये Fe तीन वाला लिया था, तीन वाला, ये फेरिक, तो इसका नाम क्या बनेगा, फेरिक। और ये SO4 का नाम क्या था, सल्फेट, बन गया, क्या बन गया आपका, फेरिक सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का Fe SO4 होता है, जबकि फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला Fe2SO4 का थ्राइस, Fe2SO4 का थ्राइस, Fe2SO4 का थ्राइस, फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला है, बन गया। मैंने बहुत ही इजीली बन गए आपके, इस तरीके से आप बनाओगे जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे फॉर्मूलों को। बोलते हैं आज केमिस्ट्री क्लास जब करा रहा था तो आप पे फॉर्मूले नहीं बनाने आ रहे थे, तो बन गया ना, बन गया फॉर्मूला, ऐसे बनते। कोई भी चीज़ ले लीजिए, इसमें से कोई भी उठा लीजिए आँख मीच के, एक पॉजिटिव उठा लो, एक नेगेटिव उठा लो, अपने आप फॉर्मूला का निर्माण हो जाएगा। फॉर्मूला बनना ही बनना है, जब रिएक्शन बनाने के लिए आएंगी तो रिएक्शन में ऐसे में कुछ भी कहीं से भी तोड़ सकता हूं, कुछ भी फॉर्मूला बना सकता हूं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी तो वहां पे आपको पता रहना चाहिए, इसमें से कोई भी पॉजिटिव उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव उठा लो यहाँ से, और आप क्या कर दीजिए, और इसके साथ में जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे अब कि मैं यहाँ से ले रहा हूँ सोडियम, ये मैंने ले लिया Na पॉजिटिव वगैरह मत लिखो, सीधे सीधे पॉजिटिव का मतलब वन यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और इसमें से चलो मैं ले रहा हूँ ये आपका क्या है, Cr2O4, इस पर कितना है, दो है, दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, Na2, Na के साथ में 2 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये तो जो करते हो रहेगा, क्योंकि 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो Na2 Cr2O4,
तो ये क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा सोडियम। एन ए का नाम क्या है, सोडियम। एन ए लिया था, एन ए का नाम सोडियम, और सी आर टू नेगेटिव लिया था क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। ऐसे ही सोडियम डाइक्रोमेट, बहुत सारे हैं फॉर्मूले, ऐसे बनाते चले जाओ। ठीक है, आप और ले लीजिए, आपका देखिएगा ये सी ए है, ये ले लीजिए सी ए, सी ए टू पॉजिटिव ले, टू पॉजिटिव का मतलब टू नीचे ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव वाला। इसमें से ले लीजिए, चलो अब के ये वाला ले ले रहे हैं, ठीक है, एच एस ओ फोर, एच एस ओ फोर, ये एक नेगेटिव है, एक यहाँ पर ले लिया, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा सी ए एच एस ओ फोर का ट्वाइस, ये हो गया सी ए एच एस ओ फोर का ट्वाइस। तो इसका नाम क्या बनेगा, सी ए का नाम क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम। एच एस ओ फोर, एच एस ओ फोर, एच एस ओ फोर का नाम क्या है, बाई सल्फेट, तो क्या हो जाएगा, बाई सडी सल्फेट। तो कैल्शियम बाई सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, सी ए एच एस ओ फोर का ट्वाइस, एच एस ओ, केवल एच एस ओ फोर का ट्वाइस, एच एस ओ फोर का ट्वाइस, कैल्शियम बाई सल्फेट बन गया फॉर्मूला। इस तरीके से कोई भी एक पॉजिटिव उठा लो और एक नेगेटिव उठा लो, दोनों को जोड़ दो, फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है। आप और देखिएगा, और देखो, एक और लेते हैं लास्ट एग्जांपल, और एक और करते हैं, देखिएगा ए एल, ए एल ले लिया, ए एल पर कितना है, तीन पॉजिटिव है, और यहाँ से सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है, तो हमें एस ओ फोर ले लिया। किसी ने आपसे पूछा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बता, तो आपको याद आनी चाहिए एल्यूमिनियम के नीचे दो तीन, और सल्फेट के नीचे कितना, सल्फेट एस ओ फोर, सल्फेट के नीचे दो, फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ए एल टू और एस ओ फोर का थ्राइस, एस ओ फोर का थ्राइस। तो ये क्या बन जाएगा, ए एल को क्या बोला है, एल्यूमिनियम, 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 एस ओ फोर, देखो एस ओ फोर ये है सल्फेट, एस ओ फोर है सल्फेट। और यदि, और यदि यदि पूछता है एल्यूमिनियम सल्फाइट, एल्यूमिनियम सल्फाइट, एल्यूमिनियम सल्फाइट का फॉर्मूला बता, टे ये सल्फेट, सल्फाइट, टा का फॉर्मूला और सल्फेट, सल्फाइट का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिएगा सल्फाइड जो होते ना, सल्फेट सल्फाइड ऐसे करके जो होते हैं, देखिएगा आपका, अब फॉर्मूला बनाते हैं सल्फाइट, तो ये एस ओ थ्री, एस ओ थ्री पर कितना, दो है, एल ओ तीन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एल टू एस ओ थ्री का थ्राइस, एस ओ थ्री का थ्राइस, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फाइट, सल्फाइट, और ये बन जाएगा सल्फेट। ऐसे ही बहुत सारे हैं, सल्फेड सल्फाइड, ऐसे बहुत होते हैं, और उसमें कोई इतना इश्यू नहीं रहता है। आई होप कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे फॉर्मूले, और आप इसी तरीके के और वीडियो चाहते हो, जैसे जनरल केमिस्ट्री में फॉर्मूले, उनके रिएक्शंस की संरचनाएं कैसे बनती हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और जल्दी ही बीएससी और इलेवंथ का भी जल्दी ही केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।